मुरादाबाद स्वतंत्रता दिवस की मौके पर जनपद में अलग अलग स्थान पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने एक साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देशभक्तों और शहीदों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस को लेकर आयोजित स्कूली छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। भारी संख्या में छात्र छात्राएं भी रहे उपस्थित। पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और जुनून के साथ मना गया। साथ ही आपको ले चलते हैं मुरादाबाद के किड्स डीजीपीएस प्ले स्कूल में, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग के कार्यक्रम पेश किए। स्कूल के अंदर नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल रखा जाता है और इस स्कूल में 2.5 साल के बच्चे का भी एडमिशन हो जाता है। आज 15 अगस्त को नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। आपको दिखाते हैं वहाँ के कुछ नज़ारे और बात करेंगे साथ ही राजा शमसी साहब से मुरादाबाद के लाजपत नगर डीपीजीएस स्कूल के उन बच्चों की जिन्होंने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। रिपोर्ट गजिन्फ।
and wish for all my kids best of luck for your future. May you succeed in every part of your life. Thank you. Remember how amazing our country is and how lucky we are to be a part of it. India is a land of diverse culture, rich history, and incredible beauty. Each of you is like a shining star. You are part to make a difference, just like our freedom fighters who are bravely for our country. You can do your part to make India even more beautiful and strong. Whether it's by being kind to others, helping those in need, working hard in your studies, you are contributing to the greatness of our nation. Remember, every little act of kindness and every effort you put in counts towards building a better India. So let's promise ourselves today that we will respect our flag, cherish our freedom, and work together to make our country proud. You are the future of India, and your enthusiasm, enthusiasm, and love for your nation will shape a brighter future for all of us. देशवासी हैं उनको ये जो है स्वतंत्रता दिवस को बहुत खुशी से और उल्लास से बहुत माहौलिस तरीके से मनाना चाहिए और बच्चों को बहुत खुश रखना चाहिए। बच्चों को स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करें आप, चाहे वेदर ये स्कूल वेदर एवरी एनी वेयर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिकॉज यू गॉट अ फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। आपको एक आज़ादी मिली है एक ऐसे देश से जिन्होंने पूरी रात यूनिवर्स को उन्होंने कंट्रोल कर रखा था ब्रिटिश ने, उससे हमें आज़ादी मिली थी 1947 got our independence 1947 15th of August और इस पर सारे देश बहुत खुश होता है, चाहे वो IPS officers हो, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, everybody like enjoying and celebrating the 15th of August joyfully। और हमें ये चाहिए कि हम अपने जो देश में उस तरीके से बहुत खुशी से मनाएं इसको। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम पहुंच चुके हैं लाजपत नगर DPJS किड्स स्कूल में, उसके ऑनर रजा रहमान शमसी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपने स्कूल में बच्चों को क्या वो संदेश दे रहे हैं और आखिर तिरंगा में तीन रंग क्यों होते हैं और आज़ादी का क्या महत्व उन्होंने अपने बच्चों को समझाया है। आइए बात कर लेते हैं और जानते हैं। रजा जी बताइए कि स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आपने अपने स्कूल में बच्चों को क्या संदेश दिया कि यह आज़ादी का दिन है, हम क्यों स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं? सर, हम जो स्वतंत्रता दिवस जो इंडिपेंडेंस डे कहलाता है वो 15th of August को मनाया जाता है। वो हर साल 15th of August को जो हम इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसमें उसका मेन संदेश ये होता है कि हमारे जो देश के हमारे युवा जितने हमारे 19 आज़ादी से पहले के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने कुर्बानी दी, अपना बलिदान करा अपने देश के लिए, अपना अपने आप को कुर्बान करा, उन्होंने अपना एफर्ट लगाया, अपने अपनी हिम्मत करी, अपना स्ट्रेंथ दी, अपनी करेज दी ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके, वी गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, तिरंगे में जो तीन कलर होते हैं तो क्यों होते हैं वो कलर? क्या आप बच्चों को बताते हैं कि हमारा तिरंगा है जो हमारे देश की शान है उसमें तीन कलर होते हैं तो किस लिए होते हैं? जी, हमारा जो ये तिरंगा जो है ट्री कलर होते हैं, एक होता सैफ्रॉन, एक होता वाइट और एक होता ग्रीन। सैफ्रॉन जो कलर है वो हमारे जो वो जो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमें इंडिकेट करता है, वो कहता है देश की स्ट्रेंथ और यूनिटी, देश की एकता और देश की हिम्मत करेज, वो रिप्रेजेंट करता है। और हमारा जो वाइट कलर करता है वो रिप्रेजेंट करता है सच्चाई, ट्रुथ एंड डिग्निटी, ट्रुथ और डिग्निटी इंडिकेट करता है वाइट कलर जो हमारा। और इसमें जो ग्रीन कलर होता है हमें पीस का इंडिकेट करता है, शांति उसके लिए उसे इंडिकेट करता है इसके अंदर। और हमारा जो पूरे देश में जो है एकता, ये तीन कलर एकता के हिसाब से बना गया, यूनिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एकता रहे देश में, एकता रहे हमेशा इसके अंदर, सब लोग एकता से रहे, सब यूनिटी यूनाइट होकर रहे। जैसे 15 अगस्त है स्वतंत्रता, क्या नाम है आपका? उरूज। उरूज जी, ये बताइए DPJS किड्स प्ले स्कूल में क्या पोस्ट है आपकी? मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स। आज स्वतंत्रता दिवस सब लोग साथ मिलकर मना रहे हैं, आपके स्कूल में भी बच्चों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, बच्चों ने आज काफी अच्छा परफॉर्म किया, आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू सी देयर परफॉर्मेंस।
दे हैव डन मोर देन देयर कैपेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स मैं यही चाहूँगी कि बच्चे आगे भी अच्छा करते रहें एजुकेशन के साथ साथ ये भी एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि इंडिपेंडेंस डे क्या होता है और अपने देश से उनको प्रति लगाव हो। सर आपके स्कूल में काफ़ी बच्चों ने इस साल एडमिशन लिया है, बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, आगे के लिए क्या सोचा है आपने बच्चों के लिए? जी यहाँ का स्टाफ मेंबर्स जो है काफ़ी अच्छे हैं और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और एजुकेशन के साथ साथ अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी फोकस करते हैं, तो मैं यही चाहूँगी बच्चे आगे भी आते रहें और अच्छी एजुकेशन जो है वो प्राप्त करते रहें।